भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान से राजस्थान में फिर सियासत गर्मा गई है। बुधवार को उदयपुर दौरे पर आए अग्रवाल ने सचिन पायलट पर फिर निशाना साधा है, साथ ही अपनी गाड़ी पर हुए हमले को लेकर भी कांग्रेस पर करारा हमला किया है। पहली बार राजस्थान आया तो मैंने बहुत गर्व के साथ कहा, राजस्थान महाराणा प्रताप के साहस, राणा सांगा के शौर्य, महाराणा सूरजमल के संघर्ष, अन्नाधाई के त्याग, मीरा के समर्पण, इन्हीं चीज़ों के लिए पहचाना जाता है। पूरे देश में राजस्थान की एक अलग छवि है, पूरी तरह राष्ट्रवादी, पूरी तरह ईमानदार और पूरी तरह सैद्धांतिक जीने वाले लोग जो होते हैं वो राजस्थानी होते हैं, ऐसी कल्पना पूरे देश में है। कल रात जो हुआ वो बहुत दुखी करने वाला था, मुझे आश्चर्य हुआ। कांग्रेस पार्टी अपने नौजवानों का ऐसा दुरुपयोग करती है, मुझे इसका एहसास नहीं था। यही उदयपुर में छोटे से बच्चे देवराज की हत्या कर दी गई चाकू भोंक भोंक कर। कांग्रेस के ये नौजवान अगर उस हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे होते तो आज राजस्थान कितना गौरवान्वित हुआ होता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश को तोड़ने का सपना लेकर काम कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने अभी अपना घोषणा पत्र जाहिर किया है, घोषणा पत्र में फारूक अब्दुल्ला ने घोषित किया है कि हम शासन में आएंगे तो धारा 370 और 35A बहाल कर देंगे, दो प्रधान दो निशान दो विधान का संविधान फिर लागू कर देंगे, कश्मीर को 1953 के पहले की स्थिति पर पहुंचा देंगे। और कांग्रेस का नेता राहुल गांधी खुलेआम राजनीतिक लालच कुर्सियों के फेर में ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ चुनाव के पूर्व संयुक्त घोषणा करके चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के नेता कहते हैं जम्मू कश्मीर के कि हम अगर शासन में आए तो सारे आतंकवादियों को जेल से रिहा कर देंगे और उन्हें 1 करोड़ रुपए का अनुदान दे देंगे। कांग्रेस के नौजवान अगर अपने नेतृत्व वर्ग के इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ, नौजवान का यही सवाल होता है, नौजवान जहां गलत होता है वहां खड़ा होता है, अगर सवाल खड़ा किया होता तो मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती। इस देश का बंटवारा मुस्लिम लीग ने कराया, देश दो टुकड़ों में बट गया और राहुल गांधी ने केरल का चुनाव जीतने के लिए वायनाड से, चूंकि वहाँ की 65% जनता मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया देश को बांटने वालों से। अगर कांग्रेस के नौजवान अपनी पार्टी में अपने नेतृत्व से इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में पूछ रहे होते तो हम इन नौजवानों के पीछे कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। बांग्लादेश में हजारों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, पूरा देश व्याकुल है, नहीं व्याकुल है तो कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता। नौजवान अगर सड़कों पर आए होते और एक बार भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खड़े हो गए होते तो यह देश अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा। अब अगर प्लान वे में करा रहे हैं तो उनसे बड़ा अनप्लानर कोई नहीं। प्लान वे में राजनीति कराई जाती है, लंठई नहीं। प्लान वे में आप राजनीति कर रहे हैं तो जनता की सेवा करते हैं, आपका लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना होता है, आप मुख्यमंत्री बनने के लिए योजना बनाते हैं। इस देश में हर नागरिक को अधिकार है कि वो इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का सपना देखे, तो उसके लिए प्लान वे में काम करना तो उनका राजनीतिक अधिकार है ना। लेकिन चूँकि अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखानी है इसलिए मेरा इस्तेमाल करके आप उसका प्रयोग करें तो ये तो कोई प्लानिंग हुई नहीं।
वो बेचारे उन नौजवान बच्चों की क्या गलती है। नौजवान तो मिट्टी के घड़े होते हैं, मिट्टी के लोटे होते हैं, जैसा स्वरूप उनसे चाहे आप बना लो। आप उनसे पीने का घड़ा भी बना सकते हैं और आप उनसे पत्थर बना के किसी का सर भी तोड़ लेते हैं। नाम ही ले रहा था, नाम के सिवा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैं उन बच्चों के प्रति कोई भाव रखूं, मेरे जैसे आदमी कोई शोभा नहीं देता। उन्हें चढ़ाया गया होगा, उन्हें गलत बताया गया होगा, उन्हें जो कुछ मैं नहीं कहा हूँ, इसीलिए मैंने कल ट्विटर पर अपना पूरा भाषण पोस्ट किया है। कल रात की घटना के बाद मैंने अपना पूरा भाषण जो मैंने सचिन पायलट के बारे में दिया है पोस्ट कर दिया है कि यह मेरा भाषण है, बताओ इसमें है क्या। अब विरोधी को मैं कमज़ोर हो गया नहीं कहूँगा तो कहूँगा क्या, मजबूत हो गया, मोदी जी बन गए क्या वो। इस नाते नौजवान बच्चों से कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, ईश्वर उनका भला करे, सही दिशा में चले, देश के निर्माण में और बेहतर जिम्मेदारियों का निर्माण करें। सचिन पायलट से भी चलो आपको बुरा लगा कि मैंने ये कह दिया, आप सबके पास वो रिकॉर्डिंग होगी, मैं चाहूँगा कि इस बाइट के साथ वो रिकॉर्डिंग भी दिखाइए कि मैंने कहा क्या था। हाँ मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय ख़त्म हो गया, अब राजस्थान में भाजपा का समय। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है, राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमज़ोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी, कोई असांस्कृतिक या अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कोई अमर्यादित बॉडी लैंग्वेज थी, एक सच्चाई है। अगर आपको यह आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है तो इतना नाराज होने की जरूरत क्या है। निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए, मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ चार साल बाद या चार महीने बाद या चार दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। अब आप पूरे राज्य जयपुर में कोशिश कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं पुतला जलाने की, प्रदर्शन करने की, तो पुतला आप मेरा जला रहे हैं या अपना जला रहे हैं आप अपने ऊपर विचार करिए, मुझे इससे क्या अंतर पड़ने वाला है। इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, वहाँ तक तो चलता है। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे, मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का एक कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़े मजबूती के साथ, लड़े लोकतांत्रिक तरीके से, लड़े सैद्धांतिक तरीके से, लड़े राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, जब मैं कहना शुरू करूँगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब मैं ये परिभाषित करूंगा कि वो स्पेंट फोर्स है क्यों। पूरा राजस्थान जानता है इसको, तो मेरा आग्रह है, बड़े नेता हैं बेचारे, परेशान हैं मैं जानता हूँ, अपनी पार्टी में ही परेशान है, अपनी पार्टी में लड़ लें पहले, फिर दूसरी पार्टी से लड़ लेंगे। गौरतलब है कि राधा मोहन दास अग्रवाल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ लगातार बयान देते रहे हैं। 23 अगस्त को टोंक जिले में एक संगठनात्मक बैठक के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर दंगों का इतिहास रखने का आरोप लगाया था और सचिन पायलट पर टोंक में हिंदू समाज का बंटवारा करने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस घटना के बाद राधा मोहन ने उदयपुर में मृतक देवराज के परिजनों से भी मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी। इसी दौरान उनके साथ राजस्थान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राठौड़ और उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत भी मौजूद रहे।